ये गाइस कैसे आप लोग, उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैर होंगे, अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक है। तो गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आज के व्लॉग होने वाला है बड़े मज़ेदार, क्योंकि आज बनाएंगे हम घर पर घेवर। तो घेवर की रेसिपी को मैंने देखा है मोबाइल से, मैं भी पहली बार ट्राई करूँगी। तो गाइस बनाते हैं और आपको भी दिखाते हैं कि कैसा बनता है। सो गाइस मैंने यहाँ पर कुछ शुद्ध देसी घी घर का ले लिया है, उसमें डाली है बर्फ़। तो बर्फ़ से हम यहाँ इसको घी को मेल्ट करेंगे, इसका बनाएंगे मक्खन। तो गाइस इसको जब तक हम मेल्ट करते रहेंगे तब तक इसका मक्खन नहीं बन जाता। तो गाइस करते हैं, मक्खन बनाते हैं और फिर इसमें हम डालेंगे मैदा। सो गाइस यहाँ पर मैंने घी में मैदा डाल दिया है और इसमें डालेंगे हम एक चम्मच बेसन। तो गाइस उसको हम मिला लेंगे अच्छे से, मैदा और बेसन को हम घी में अच्छे से मिला लेंगे और इसके बाद इसमें डालेंगे हम ठंडा बर्फ़ का ठंडा पानी। तो गाइस उसके बाद बनाएंगे इसका घोल। तो गाइस बनाते हैं घोल और आपको भी दिखाते हैं। तो गाइस इसमें ठंडा बर्फ़ का पानी डालने के बाद इस तरह का हमारा घोल बन जाएगा। अब इसमें कुछ गुठली सी होंगी तो इसको गाइस हम छान लेंगे छलनी से। तो गाइस इसको छानते हैं। इसको छानने के बाद तो गाइस हमारा कुछ घोल इस प्रकार का तैयार हो जाएगा। अब इसको हम बनाते हैं घेवर इससे। तो गाइस रखते हैं कढ़ाई, उसमें रखते हैं तेल। तेल को हम बहुत तेज़ पकने देंगे हाई फ्लेम पर। तो गाइस इसमें डालते रहेंगे हम बूंद बूंद थोड़ी थोड़ी करके। तो गाइस आप बोतल से भी डाल सकते हो, मैंने यहाँ चमचा का यूज़ किया है। तो गाइस डालते रहेंगे, अब आप देखते हैं कैसा बनता है और आपको भी दिखाते हैं।
गाइस इसको डालने के बाद, पकने के बाद हम इसमें कुछ किसी चीज़ से बीच में रोज़न करते रहेंगे ताकि इसको हम उठा सकें। तो गाइस हमारा घेवर यहाँ पर बनकर तैयार है। पहली बार बनाया, कैसा बनाया देखते हैं, आपको भी दिखाते हैं। तो गाइस ये घेवर हमारा कुछ इस प्रकार से बनकर तैयार हुआ है। अब हम यहाँ पर बनाएंगे चाशनी, यानी परत जिसमें हम इसको घेवर को रखेंगे डुबोकर। तो गाइस यहाँ पर मैंने कुछ पानी ले लिया है और उसमें डाल लिया चीनी। तो थोड़ी सी चीनी डालकर मैंने इसको पत को पकाने रख दिया है। हम एक तार की पत पकाएंगे, फिर इसमें डालेंगे अपना घेवर। तो गाइस यहाँ पर हमारी पत पककर तैयार है। अब इसमें घेवर की स्लाइस डालेंगे। तो गाइस इसको हम पत में भिगो कर रख देंगे थोड़ी देर। फिर इसको इसमें से निकाल कर दूसरी स्लाइस को रख देंगे। तो गाइस ऐसे करके बारी बारी से हम इसमें पत में अपनी जो है घेवर की स्लाइस डुबो देंगे। तो गाइस उसके बाद हम इसमें लगाएंगे मलाई। मलाई हमारी घर की है क्योंकि मावा होना चाहिए थे, मावा तो है नहीं, हमने घर की जो मलाई है दूध से उतरी हुई वो ले ली है। अब इस पर हम वो लगाएंगे और उसके बाद लगाएंगे कुछ ड्राई फ्रूट्स। चलो लगाते हैं और आपको भी दिखाते हैं। गाइज हमारा कुछ घेवर इस प्रकार से बनकर तैयार हो चुका है। तो गाइज आपको कैसा लगा आप कमेंट करके बताएं। हमें तो बहुत अच्छा लगा, खाने में भी इसका टेस्ट बहुत अच्छा था। तो गाइज हम इसको घर वालों को भी दिखाते हैं, सबको थोड़ा थोड़ा चखाते हैं। आई होप गाइज आपको मेरी वीडियो पसंद आए, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय।